आज हम कार्डबोर्ड पिस्ता के सेल्स और जिसो की मदद से एक क्राफ्ट बनाएंगे। पहले जिसो अप्लाई कर लेंगे कार्डबोर्ड में, अच्छे से इसे हम ब्लेंड कर लेंगे और हम अब जिसो सेल्स में भी अप्लाई करेंगे और इसे हम ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। अब हम जो है इसमें कलर करेंगे और इसे हम सेल्स में अप्लाई कर लेंगे। अब हम सेल्स को एक एक वन वन करके चिपका लेंगे ग्लू की मदद से। ऐसे ही मैंने और भी सेल्स को, और इसमें बहुत टाइम लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें अब हम ग्लू को डायरेक्ट बोर्ड में लगा लेंगे और इसमें वन बाय वन हम सेल्स को अप्लाई कर लेंगे, जिससे कि इजीली फटाफट से हो जाएगा। और ये हमारा हो गया। हम इसमें जो है ब्लू कलर से पेंट कर लेंगे बाकी के रिमेनिंग एरियाज में, और इस तरह से अच्छे से हम पूरे एरिया को कवर कर लेंगे ब्लू कलर से। इसमें थोड़ा वाइटिश लुक देने के लिए मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। ताकि ये अच्छे से वाटर का कलर आ जाए इसमें। और फ्रेंड्स आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। अब मैंने जो है जो हमारे बाकी के रिमेनिंग सेल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर चिपका दिया है और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की मदद से ग्रास बना रही हूँ। और ये फिश का लुक देने के लिए मैंने येलो कलर अप्लाई किया है शेल्स में। और अब इसमें जो है हम डिटेलिंग के लिए ऊपर से हम इसमें डिफरेंट कलर करेंगे, ताकि जो है इसमें अच्छी सी डिटेलिंग आ जाए और ये बिल्कुल फिश की तरह लुक आए। तो इसके लिए डिटेलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ऑरेंज कलर। तो अब जब हम इसमें डिटेल करेंगे, देखिए हम डिटेलिंग के लिए ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जिस कलर की आपको फिश चाहिए, मैंने यहाँ ऑरेंज कलर यूज़ किया है। और ये देखिए हमें कितनी क्यूट फिश लग रही है। ऐसे ही हम जो है और भी शेल्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर कर लेंगे। मैंने हर फिश को डिफरेंट डिटेलिंग दी है ताकि हमारे बहुत सारे यूनिक फिशेस बने। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।